इतना टाइम हो गया, अरे नींद में लग रहा था। अगर नींद में था भी तो भी उसने मेरी बात तो पूरी सुनी ना, अब तक ये आ जाना चाहिए था। ये तो मारकंड फूफा भी पता नहीं कहाँ रह गए, दोनों के दोनों नहीं आए अब तक। अरुण जल्दी करो, फोन लगाती हूँ दोबारा से। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मुन भी नहीं लग रहा। आर्या, डर गई थी मैं, तुम्हें कितने फोन किए मैंने, कहाँ रह गए थे तुम आर्यन? मिस किया तुमने मुझे, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था, सिर्फ फोन आते भाग के आ गया था मैं। तुमने शराब पी है क्या? कुछ मत कह, ऐसे बस करीब रहना मेरा, बस मेरे पास आ गए। बेबी तुम्हारे प्यार ने मुझे अपनी मुट्ठी में कर लिया है, मेरे साथ रहती हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बस कुछ और दिन, बस सपनों की दुनिया बसाएंगे। मैं हमेशा तुम्हें ऐसी मैं पास रखूंगा। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है शामिल के बारे में। आर्यन, आर्यन, आर्यन आंखें खोलो, आर्यन देखो मेरी तरफ, आर्यन प्लीज होश में आओ, आर्यन, आर्यन मेरी बात सुन, अरे आर्यन, 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 आर्यन आंखें खोलो, आर्यन मेरी तरफ देखो, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? आर्यन होश में आओ, आर्यन प्लीज, आर्यन, आर्यन, आर्यन उठो, घर जाना है ना, देखो मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, यहाँ से हिलना नहीं। हाँ आर्यन सुन रहे हो ना तुम? भाई मैंने बोला था ना आपको, आर्यन बाबा को नशे की हालत में घर से बाहर जाते हुए देखा है मैंने। अच्छा हुआ सही वक्त पर पहुंच गए, वरना ये लड़की देख मेरे नाती के नशे में होने का बरोबर फायदा उठाती। चल अब चल विश्वास, चलो चलो चलो, उठा इसको। लव यू, लव यू, ए बाबा उठ रहे हैं, बेटा उठ। आर्यन, आर्यन,
की गाड़ी। एक बार जयराज की वाइफ की फोटो मिल जाए। एक ही उम्मीद थी उसकी बीवी की फोटो देखने की, वो भी गई। उसको आराम से बेटा दे विश्वास। ए भगवान, कहिए सबके सामने मेरी पोल पट्टी में खोल दे, मेरे सारे बने बनाए प्लान पर पानी फेर देगा ये बेवकूफ। हालत तो देख इसकी। ये तू मुझे बताएगा क्या हुआ? तू गया था ना उस लड़की आराध्या से मिलने, दारू पिलाई उसने तेरे को दारू। अरे देवा, ये दिन रह गया था मुझे देखने के लिए। क्यों रह गया था उससे मिलने? तेरी खोपड़ी से वो भूत निकली नहीं अभी तक? आराध्या ही घूम रही है तेरे खोपड़ी में। क्या आराध्या से मिलने गया था ये? मैं बगल में ही लेटी थी और इतने नशे में भी ये उठकर आराध्या के पास चला गया। मेरी तो सारी मेहनत ही बेकार कर दी इसने। तुझे फंसा रही है वो जाल में, मैं बता रही हूँ आर्यन। वो लड़की तेरे को छोड़ेगी नहीं और मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। क्यों गया था उससे मिलने? देवा रे देवा, अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गई वहां नक्कू, वरना पता नहीं ये वो लड़की क्या क्या कर देती इसके साथ। दारू नहीं पिलाई आराध्या ने मुझे, वो कुछ अर्जेंट काम था तो फोन करके मुझे बुलाई, तो मैं तब दिल्ली तब गया मैं। ये चुहिया आराध्या ने तो इसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा करके रखा है। वैसे अच्छा ही हुआ कि इसने मेरे को देखा नहीं, पर अपन तो खेल तो बिगड़ गया ना। हमेशा उस लड़की की तरफदारी करता रहता है, उसी के सुर में बात कर रहा है मुझसे। अभी कुछ भी बोलूंगा तो आज ही उसका उल्टा मतलब ही निकालेंगे। भाई इसकी हिम्मत तो देखो, अरे यहाँ तक आ गई। क्या कर रही है ये इधर? क्यों आई है इससे मिलने? क्या काम है तेरे को रे? बेशरम लड़की, बार बार हकालती हूँ इसको, घर से वापस इधर ही आती है। क्या काम है?
आजी मैं बस देखने आई थी कि आर्यन कैसा है। तू कौन है पूछने वाली आर्यन ठीक है कि क्या हो गया है उसे? मैं उसकी आजी जिंदा हूँ, चल निकल यहाँ से। मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे उससे बात करनी है प्लीज। क्या बात करनी है तेरे को मेरे नाती से? ए हट रे नकु, बात कर मुझसे, मैं भी सुनना चाहती हूँ क्या बात करना चाहती है। सुबह मेरे को सुना रही थी श्रावणी ऐसी है वैसी है, ऐसा कर वैसा कर। रात को चली आई किसी गैर मर्द से बात करने। किसी गैर मर्द से क्यों मिलने आई है मेरे घर में? चल निकल वरना धक्के मार कर निकाल दूंगी। हटा इसको। पता नहीं क्या खूट कर पिला दिया मेरे नाती को। चल भाई चल चल निकल। अरे चल निकल जा। फोटो नहीं मिली उस एल्बम में। मैं जयराज की बीवी के बारे में कैसे पता करूंगा? माई डार्लिंग वाइफ, जिस दिन पहली बार तुम्हारा लावनी डांस देखा था, हाय, उसी दिन तुमको दिल दे बैठा था। लोग दूर दूर से तुम्हारा यानी कि बरखा बाई का डांस देखने आते थे, पर मैं तो आंखें बंद करता था और तुमको अपने सामने पाता था। फिर तो मैंने तय कर लिया कि हमेशा के लिए तुमको अपना बनाना है। जब तुमसे मेरी शादी हुई तो ना जाने कितने लोग जल फुन गए थे। आज भी जब तुम सामने आती हो तो मेरे दिल में पता नहीं क्यों खलबली सी मच जाती है। थैंक गॉड कुछ इन्फॉर्मेशन तो हाथ लगी। बस अब उस लावनी डांसर बरखा भाई की जन्म पत्री निकाल ली। राधिया, बैठो। ठीक हो? ऐसे ठीक हूँ यार, पर पता नहीं सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तुम्हें नहीं पता सर क्यों चकरा रहा है? हाँ, शराब पी रखी थी तुमने। सर क्यों चकरा रहा है? तुमने क्या कहा था मुझसे? तुम शराब पीते नहीं हो, हाथ भी नहीं लगाते हो, है ना? आजी ने अभी क्लास लिया और तुम यहाँ बरस रही हो, तो रहम खाओ यार। आर्यन, जैसा करोगे ना वैसा ही भुगतोगे तुम। आई स्वेयर यार, मैंने दारू नहीं पी है। पानी पिया मैंने और श्रावणी का दिया हुआ 1 गिलास दूध पिया, पर शराब कहाँ से आ गई बीच में? 1 मिनट, क्या कहा तुमने? श्रावणी ने दूध दिया था और वो पिया तुमने? हाँ, सिर्फ दूध पिया यार, दूध और पानी और कुछ नहीं। जरूर उस दूध में ही कुछ मिला हुआ था। क्या मतलब है यार तुम्हारा? देखो, श्रावणी ने जो दूध दिया था ना तुमको, उसी में कुछ मिला हुआ था। श्रावणी मेरे दूध में क्यों मिलाएगी और मुझे क्यों देगी? अरे मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या है, लेकिन कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहे।
देखा तुमने, मैंने उसको जरा सी सलाह दी उसी की अच्छाई के लिए, उसी की भलाई के लिए, और कैसे रिएक्ट किया उसने? आराध्या ने लांछन लगाया मेरे चरित्र पे, शक किया उसने, क्योंकि पंचायत ने आर्यन को मेरा रखवाला बना दिया, इसलिए जलन हो रही है तुम्हें। छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना के रख दिया उसने। जरा सोचो, उसने तुम्हारा बाथरूम ही क्यों चुना नहाने के लिए? वो चाहती तो अपने बाथरूम में भी नहा सकती थी, कमरे का दरवाजा बंद कर, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे ही बाथरूम में आई, और तो और टॉवल लपेट के बाहर आ गई। उन गुंडों को भी वही पकड़वा कर साथ लाई थी। रास्ते में दो गुंडों को ठहाके लगाकर बात करते हुए मैंने सुन लिया, कितने आसानी से उन लोगों ने आपको गायत्री के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की। उन गुंडों को मैं अपने साथ ले आई, आप उनसे ही पूछ लीजिए। आर्यन, तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी बातें अनयूजुअल है? श्रावणी जो है ना, वो इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। यार आयर, पर ऐसे राधे ऐसे अचानक उस पर शक करना। आयर, मैंने भी शक नहीं किया होता उसके ऊपर, लेकिन ये जो सारे हादसे हुए हैं ना एक के बाद एक, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है आर्यन, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, तुम समझ रहे हो ना? गायो ताई जब वाटर टैंक में बंद हो गई, उसी वक्त वो घर पे कैसे पहुंची? तुम अपने घर पे आ जाओ जल्दी से, यहाँ कोई तुम्हारे घर की टंकी में बंद है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही सोचो आर्यन, उन गुंडों के साथ ना उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और फिर मार्कल पुपा ने हमारे सामने ही तो कहा ना, आपके घर में वो लड़की है ना, अपने यारों के साथ बैठ कर दारू पी रही थी बार में। चाची ने आपके लिए मसाले वाला दूध भेजा, दूध ठंडा हो रहा है, पी लीजिए। आप जाइए, मैं ग्लास रख दूंगा। वैसे आर्यन दूध गरम गरम पिया जाता है, ठंडा नहीं। राधे वो फिर दूध के ग्लास के लिए नहीं खड़ी थी, वो इसलिए खड़ी थी ये देखने के लिए कि मैं पूरा दूध पीऊंगा कि नहीं। एग्जैक्टली माई पॉइंट आर्यन, श्रवणी के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अब मुझे भी ऐसे लग रहा है राध्या, कल ही पता लगाते हैं कि सच क्या है। देवा कृष्णा, मेरी मदद करना, पता नहीं ये श्रावणी कौन है, अगर कोई चालबाज है तो आज ही पता लगाना होगा उसके बारे में, उसकी पोल आज ही खोलनी होगी, कौन है, कहां से आई है, क्या मकसद है उसका, कुछ भी नहीं पता हमें, कहीं मेरे आर्यन को किसी नई मुसीबत में ना फंसा दे। देवा प्लीज मुझे आशीर्वाद देना, मेरी मदद करना। लेकिन अब तक तो वो सो ही रहा होगा, जगा देती हूँ। बड़ी जल्दी नींद खुल गई आपकी तो। हाँ, उठ गए आप? तुम जाग गए हो, क्या हुआ, तुम्हारे बिस्तर पे कहीं खटमल तो नहीं काट रहे थे? तुम हो ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खटमल, रात में जो कीड़ा डाला था मेरे दिमाग में, रात भर नींद नहीं आई मुझे। तुम जल्दी आ जाओ, पता करना है कि दूध में किसने क्या मिलाया। हाँ हाँ आर्यन, बस निकल ही रही हूँ, जब तक तुम श्रावणी के कमरे में जाओ और जाकर तलाशी ले लो, देखो शायद कोई सुराग मचे। तुम आ तो सही पहले। हाँ बाबा, बस आ ही रही हूँ। ओके ठीक। क्या कर रही थी? नहीं काट लूंगा बस ये। ऐसे बाबा से वैसे हाथ नहीं कटेगा ना? हाथ नहीं कटेगा, लेकिन तू पता है क्या कर रहा है, तू बचपन में छोटा कर तब ऐसा कर, ये पकड़ धनिया से, ऐसे कर, जब धनिया उड़ेगा ना मार दे। हाँ क्या गुल्ली डंडा खेल रहा है क्या बच्चा, ये क्या तरीका है तेरा धनिया काटने का? हाँ और ये 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 गाजर कौन सा वाहियात तरीका, ये क्या है ये, और कांदा देख क्या किया बाबा साहब, वो कांदा काटा ना तो आंखों से गंगा जमुना बहने लग पड़ी, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं दिया, ऐसे घट गया। चल तू रहने दे, वो सब हम देख लेंगे। अच्छा।
टमाटर नहीं टमाटर अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा तो अब मैं वो उसमें पोहे में वो हींग डाल देता हूँ। हींग अरे शाश्वत हींग पोहा में हींग नहीं डालते, बर्बाद कर देगा तू पोहा। पोहा में अजवाइन डालते वो हम डाल लेंगे। अच्छा पानी उबल रहा है हाँ। चार चम्मच शक्कर डाल, फिर अदरक डाल, फिर चार चम्मच चाय पत्ती डाल। एक एक करके बताओ एक एक करके। ये ठीक है कितने कितने चम्मच? चार चम्मच। एक इनके दो दो तीन तीन चार चार। अभी क्या है? अदरक 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 हाँ। इसमें अदरक बनी हुई ये डाल दूं? हाँ डाल। अदरक अदरक बनी हुई ये डाल देता हूँ ना। डाल दे। अभी अदरक वाली चाय कॉम्पिटिशन हो रहा है। तुम लोग बहुत काम करते हो और घर में काम करने के लिए कोई नहीं, तो हमने सोच लिया हम आज के दिन आप दोनों के लिए नाश्ता बना चाय बनाएंगे। और तुम्हें शायद मालूम नहीं है दुनिया के जितने भी बड़े बड़े होटल होते हैं उसमें आदमी लोग खाना बनाते हैं, मेल शेफ। हम शेफ हैं। तू चिंता मत कर बेटा, बाहर जाके बैठ, दो मिनट में नाश्ता ले आ। चल इसको फुल कर देता हूँ। लेकिन आप लोगों को करने की क्या जरूरत है ये सब? मैं हूँ गायु ताई है, आई भी तो है, हम लोग कर लेंगे ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोगों को ये सब आता नहीं। चैलेंज चैलेंज आज तुम भी क्या याद रखोगी मैंने क्या नाश्ता बनाया है। दोनों ने आरु इधर आ जा, तू पोहा की तरफ भी ध्यान। हाँ 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 क्या खुशबू आ रही है। देख रात भर काम करके अभी सोई है ये, थक जाती है बेचारी। जब हम काम करते थे तो कितना ख्याल रखती थी हमारा, अब जब ये काम कर रही है, तुम काम कर रही हो तो हम क्यों नहीं ख्याल रख सकते तुम दोनों का? देखना कितना खुश हुई है गर्मा गर्म पोहा खा के। और तू भी अभी आते हैं। अगर हम ये वक्त नहीं देखते ना तो हमारे अंदर की सच्चाई कभी बाहर नहीं आती। हमारे अंदर की अच्छाई, हमारे हमारे अंदर जो एक दूसरे को लेके प्रेम है वो कभी कभी बाहर नहीं आता। बस यही अच्छाई मेरे ससुराल में भी आ जा, आज ही के अंदर भी जल्द से जल्द परिवर्तन देखने को मिले प्लीज पापा। एक्चुअली बस आपसे पूछने आया था कि आप ठीक हो कि नहीं, कल इतना सब कुछ हुआ तो बस जानना था मुझे। कहीं इसको मेरे पे शक तो नहीं हो गया और लपेट रहा है मुझे? जी सब ठीक है, बस इतना सब कुछ हुआ ना तो मैं बस, और मुझे बस आपके बाथरूम के दरवाजे के बारे में भी जानना था, मैंने रिपेयर करने के लिए कहा था वो भी जानना था। थैंक यू, आप कितना ख्याल रखते हैं ना सब चीजों का। चलिए मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, नाश्ते का टाइम हो गया, वैसे आप भी चलिए। जी आप चलिए मैं आती हूँ। अच्छा ठीक। बाथरूम का दरवाजा देखने आया था या फिर मेरी खूबसूरती? लगता है मेरी खूबसूरती का असर हुआ है, बहाने बनाकर आ गया प्यारे लाल। बस बस आई, तेरे लिए सरप्राइज है। अरे कहाँ लेके जा रही है?
जरैम। अच्छी है ना खुशबू, खाओ खाओ तुम भी। कैसे बना है पोहा? बोलो बोलो। मस्त कौन आई? हाँ मैं तो दो प्लेट और खाऊंगी। वाह वाह वाह। ये तो तू देखा क्या? सुन भाई, हम कह रहे हैं ये अगर ये पोहा बनाने जाता ना तो एकदम वाह। आबा साहब, मिर्च नमक हल्दी सब परफेक्ट है। और वो अजवाइन जो आपने डाली थी ना, उसका स्वाद तो कमाल है। ये तो इसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से। आप मसाले तो आपने डाले, तो कांदा किसने काटा? तूने ना? बता रहे ये गदा कांदा कैसे काटते हैं? पता है कैंची से ऐसे काटते के इसलिए खराब हो गया। अरे वो आंसू निकलते हैं। अबे खाते वक्त हमारे आंसू निकल आ रहे, उसका क्या? बहुत सर, चाय 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 मैंने बनाई, बहुत बहुत अच्छी चाय। चाय लो और चाय लो। क्या अदरक? हाँ मैंने डाली, अदरक मैंने डाली है ना। लहसुन वाली चाय पहली बार, बहुत अच्छी चाय है बाबा। और अच्छी है। लहसुन मैंने नहीं डाला, लहसुन कहाँ डाला मैंने, अदरक वो पेस्ट डाली मैंने, लहसुन अदरक मिक्स होगा, पेस्ट डाली अदरक लहसुन पेस्ट डाली। अब वो अदरक तो छील नहीं सकता ना बाबा साहब, तो टूथपेस्ट क्यों नहीं डाली बेटा? भगवान, अरे क्या कहे अब इसको, हमने कहा ना गधा एक नंबर का गधा। क्या बाबा साहब निकम्मा कहीं का, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। सच कह रहे हम दोनों बाप बेटे सिर्फ खाने का काम कर सकते हैं और कुछ नहीं, क्यों रे? लेकिन जो भी हो बस है। बाबा मुझे लगता है कि आप दोनों को हर सुबह ऐसा नाश्ता तो बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा नाश्ता बनाएंगे और अगर ऐसी चाय रोज सुबह पिलाएंगे ना तो हम बहुत मजे से पियेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं मंजूर। हे भगवान, कितने दिनों बाद हम लोग ऐसे खुल के हंस रहे हैं ना। मुश्किल वक्त में जो परिवार ऐसे हंसता है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। बाबा आबा साहेब, एक मिनट, आपसे आबा साहेब नहीं सिर्फ आबा। आबा मैं चलती हूँ, मुझे आर्यन से मिलना है। इसमें काम है तो बड़ा अर्जेंट है, मैं आती हूँ। कोई बात, कुछ खा लेना। हाँ जरूर। हाँ सुन भाई, हाथ जोड़ते प्लीज हमारे लिए कुछ अच्छा खाने लायक बना दो, प्लीज ये नहीं खा सकते हम। अभी कुछ बना के लाती हूँ।
तुम क्यों सर्व कर रही हो? मौशी नकमौशी आज ही कहाँ? मैं कोई पराई हूँ? मुझे तो लगा कि आपने मुझे अपना समझ लिया, मतलब इस घर वालों ने अपना मान लिया, तो मैं नहीं कर सकती। तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। तुम भी जी नहीं, पहले आप खा लीजिए। और वैसे भी हमारे गांव में औरतें पहले उनको खिलाती है फिर खुद खाती, और वैसे भी मेरा आज व्रत है। क्या हुआ, अब खा नहीं रहे? मुझे पोहा इतना अच्छा नहीं लगता। तो पोहे पसंद नहीं है, लेकिन आज ही तो बता रही थी कि आपको पोहे इतने पसंद है कि आप दिन में 3-4 बार खा जाते हैं। अब मैंने कुछ गलत कह दिया? वो मेरे आई के हाथ के बने पोहे मुझे अच्छे लगते थे। आप मेरे लिए इडली डोसा उपमा वाटरमेलन जूस और स्प्राउट्स दही में मिक्स करके वो मेरे लिए बना सकते हैं? अब ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में? ब्रेकफास्ट में। वो आप भूखे हैं ना, तो ये सब बनाने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम चाहिए आप उतना ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ब्रेकफास्ट हैवी करेंगे और अगर लंच के वक्त मुझे टाइम ना मिले तो काम चल जाएगा, मैं पूरा दिन ऐसे निकाल सकता हूँ। अब आराम से बनाइए। जी ठीक है, आप मुझे सिर्फ 1/4 घंटा दीजिए, मैं बना कर लाती हूँ। ओके ओके, आराम से आराम से। पौने घंटे में तो तुम्हारी कमरे की स्कैनिंग कर लूंगा मैं। राधिया कहाँ गई, अभी तक आई क्यों नहीं यार? भाऊ भाऊ एक मिनट, वो हमारे गांव में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है ना, उस तरफ हमने तमाशा रखवाना एक बरखा भाई का, आप लोगों के पास नंबर है क्या उनका? बरखा भाई बडगांवकर? जी 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 जी, हम पहले उन्हीं के फर्म में बजाते थे, पर उन्होंने हम सबको निकाल दिया। अब उनका नया नंबर हमारे पास में नहीं है। उनके साथ कोई और काम करके किसी का नंबर तो होगा। देखिए भाई साहब, आप लोग नाटक वाले हैं, मैंने सुना उनकी भावनी एकदम झकास होती। भाई एकदम तीखी मिर्ची है, किसी को अपने पास खड़ा नहीं करती और ना ही फोन पर सुपारी की बात करती हैं। तुम एक काम करो, इधर बडगांव में एक जतरा है, वहां बाई का तमाशा है, वहां जाके पता करो। जी शुक्रिया शुक्रिया। अगर आज शीला बाई से मुलाकात हो गई और पता चल गया कि वो जयराज की पत्नी है, तो फिर मेरे लिए सारा खेल आसान होगा। मैं अपने दादा और वाइनी को उसकी कैद से रिहा करवा सकूंगा। इडली सांभर, डोसा, उपमा, वाटरमेलन जूस, ये क्या शिरावनी बाई की होटल है? इतना तो मैं अपने बाप के लिए भी ना करूं। क्या करूं, इतना कुछ बनाने बैठेगी तो आधा दिन निकल जाएगा। शिरावनी सोच कुछ सोच। एक काम करते हैं शिरावनी, इडली सांभर डोसा उपमा होटल से मंगा लेती हूँ, फिर टाइम पास करते करते वाटरमेलन जूस बना लूंगी। चल शामी।
पे लग जाए। चाबी कहाँ रखी होगी इसने? अभी वो सुपरमैन बुद्धू सोचेगा कि ये सब मैंने 15 मिनट में बना दिया। इंप्रेस हो जाएगा तेरे से शिरावनी। खा जितना खाने का है। लगता है आ गई है। वो मैं बात बात मुझे ये लगा श्रावणी आ गए। मैंने वहां से देखा हूँ किचन में। हमें जल्दी से चेकिंग करनी चाहिए। दादी वो सब मैंने चेक किया इस तरफ हूँ। वहां कुछ भी नहीं। आर्यन ये कहाँ चला गया? आर्यन जी, आर्यन जी आप कहाँ हैं? नाश्ता तैयार है। राधिया कुछ भी नहीं है। पूरा कमरा मैंने छान मार लिया। यहाँ भी कुछ नहीं है। मुझे लगता है हम बेवजह उस पर शक कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं आर्यन, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं काम करती हूँ, मैं बाथरूम में चेक करके आती हूँ। लगता है ऊपर कमरे में कहाँ चले गए? आर्यन, आर्यन, आर्यन आपका नाश्ता तैयार है। पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बाथरूम में तो कुछ भी नहीं है, वही साबुन शैम्पू सब बेसिक सामान। मुझे भी कुछ नहीं है। कचरे में क्या मिलेगा यार? अरे मैंने हमेशा डिटेक्टिव शोज में देखा है, कचरे के डब्बे से ना कोई सुराग मिलता है। मुझे क्या पता वो इतनी जल्दी कैसे आ रही है।